एंजॉय करो, बंदियों से कॉफी पियो, ठीक है। खुद ही अपने आप को इतना बुलंद करो कि बंदियां आके आपका खर्चा करें, ठीक है ना। रुको जरा, सबर करो। वेलकम बैक टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग माहीज लाइफ। और सुबह सुबह यार मैं पहुंच गई हूँ दुआ के घर, अभी उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। सो डू यू गाइस नो कि अभी मैं बैठी हुई यार दुआ के रूम में, उसके घर पर हूँ मैं। यार उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा उसका क्यों ना पता ले लिया जाए। लाहौर जब आए हैं, चक्कर लगा है, ठीक है, तो वाई नॉट, क्योंकि अब मेरी एक ही प्यारी सी दोस्त है और उसका भी पता ना लेते यार ये अच्छी बात नहीं होती। तो लोग अपने दोस्तों को मिलने जाया करो। आई थिंक दिस इज द राइट पाथ एंड दिस इज द राइट वे इवन। और आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सीन हो चुकी हूँ, मुझे लगता है थोड़ी सी मैं चबी भी होती जा रही हूँ, मोटी होती जा रही हूँ, आई डोंट नो, या इस एंगल में लग रही हूँ, या आई क्लियरली डोंट नो। कमेंट डाउन ऑन दिस, कमेंट डाउन ऑन दिस। सो जी राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर डॉक्टर दानियाल अहमद। बहुत सारे लोगों को पता का, एक तो मेरे बाल बड़े गंदे लग रहे हैं, एक तो जब कोई ऑफिशियल मेकअप्स होते हैं ना तब आपका हुलिया बहुत बुरा लगता है, तब आपके बाल आपको जलील करवा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, समथिंग लाइक दैट। खैर वेल आई थिंक बालों को कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत बुरे लग रहे हैं। अब ये ठीक हो जाओ यार। वेल आई थिंक नाउ दिस इज मच बेटर, दिस इज मोर ऑफ माई स्टाइल। तो खैर अभी मैं जी वेट कर रही हूँ डॉक्टर दानियाल अहमद का। माइट भी उनको बहुत सारे लोग जानते हैं उनके एक फेमस डायलॉग से, जो के है ओ छड्डो जी मैं दस्ताना, छड्डो जी मैं दास्ताना। खैर आज हम उनका ये डायलॉग हम लाइव सुनेंगे मेरे ब्लॉग के अंदर। अभी ही इज ऑन द वे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो हम उनको सरप्राइज करेंगे थ्रू आवर ब्लॉग। सो बी विद मी। 2000 years later. Wow. So finally we are having Dr. Daniel here. Assalamu alaikum Dr. Saab, kaise hain aap? मैं ठीक, आप बताएं। काफी टाइम लगा दिया आपने आने में। सॉरी आज सैटरडे था। एक्चुअली ये बहुत सडन मीटअप का प्लान हुआ। थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्टली कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए। अभी हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ पर जाना है, अभी डिसाइड नहीं किया, सो लेट्स सी, देखते हैं। डॉक्टर साहब अभी गए हैं उनको एसी का बोलने के लिए, क्योंकि पीछे वाला एसी नहीं चल रहा है। हम लोग इनके ओपन सिटिंग एरिया में बैठे हैं, क्योंकि गले को गजब बेइज्जती है। क्या हो गया बोलो महा, आज तुम्हें बोलना है, आज तुम्हें लोगों का इंटरव्यू लेना। डॉक्टर साहब तो वैसे ही बहुत बोलते हैं। अच्छा जी यार सॉन्ग का कॉपीराइट मत देना, कॉपीराइट ना आए बस। अभी क्या सीन था कि अंदर यार बहुत ज्यादा अंधेरा है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लॉग हमारा नहीं बन सकता था। सो आई जस्ट थॉट के वी जस्ट सिट ओवर हियर। जी डॉक्टर साहब एसी चलवा दिया आपने? हाँ जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आजकल नए नए ट्रीटमेंट्स कराते फिर रहे हैं। आपने स्टेटस और स्टोरी लगाई ना सम फेस ट्रीटमेंट? वो फ्री में उन्होंने कहा, हम आपको हाइड्रोफेशियल कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरों का भी रिकमेंड कर दिया करे, आपको कहाँ जरूरत है, माशाल्लाह आप वैसे ही इतने प्यारे हैं। अब आप फैसलाबाद से लाहौर आएंगे सिर्फ हाइड्रा फेशियल के लिए, दुगना खर्चा होगा आपका। तो आप फैसलाबाद में रिकमेंड कर देना कहीं पे। चलो हम फैसलाबाद में थोड़ी थोड़ी बनाते हैं ना पी आर वगैरह। फैसलाबाद में पी आर नहीं है आपके भी? नहीं, मेरी मेन ऑडियंस सरगोधा लाहौर की है। डॉक्टर साहब एक्चुअली सरगोधा से बिलोंग करते हैं, सो मेनली उनका सारा फेम और जो भी उन्होंने किया है काम वो वहीं से लिंक करता है देन टुवर्ड्स लाहौर, क्योंकि अपना क्लिनिकल सेटअप वो लाहौर में कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ पर है सेटअप आपका, क्या सीन? Well, अब हम हरबंसपुरा के अंदर अपना क्लिनिकल सेटअप बना रहे हैं और वहाँ पे मेरे अलावा तीन और डॉक्टर्स होंगे। एक डॉक्टर जॉन है, ही इज गोइंग टू सर्व एज अ जीपी, वैसे वो पीडियाट्रिशियन है, वो पीजी है।
और इसके अलावा मेरी कजन है डॉक्टर फरमा, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी उधर होगी वीकेंड्स पे। जिस जिसको सर्विसेज चाहिए वो सुनते रहे, आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा डील करते हैं। डेफिनेटली, और हम हर तरह के पेशेंट को अकोमोडेट करेंगे उधर। सर ये वीकडेज में जनरल पेशेंट होंगे और डर्मा वाले पेशेंट जो सिर्फ वीकेंड्स पे अकोमोडेट करेंगे। तो देयर आर एनी चांसेस कि आप कभी फैसलाबाद में भी अपना क्लिनिक की ब्रांच बनाना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट? यस, प्लान तो है कि अगर एक दफा ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ तो हम इसको शायद पॉली क्लिनिक की एक फ्रेंचाइज बना लें। फिर मैं हाइड्रोफेशियल उधर से लूंगी, अब मैं तब तक वेट कर लेती हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बात आपसे पूछनी है, आपका जो एक डायलॉग है छड्डो जी, वो कैसे बना, वो कहाँ से आपको ऐसे ओरिजिनेट हुआ कि मुझे ये ऐड करना है अपने टिकटॉक कंटेंट में और वो एक फ्रेम बन गया आपके लिए? मेरा जो डायलॉग है छड्डो जी मैं दस्ताना, ये बस मेरा पंजाबी कल्चर का टच है। मैं एक बहुत ही देसी बंदा हूँ, मेरे रोलिये से लग रहा होगा, सलवार कमीज पहनने वाला बस अपने। और डॉक्टर साहब बल्कि बहुत इजी माहौल में बैठे हैं, ठीक है, उनको कोई वो फॉर्मल नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक दिस इज बीइंग रियली फ्रेंडली ऑफ हिम। अच्छा तो हम उनके डायलॉग पर थे। सो बेसिकली यस, ये कह लें कि इट इज अ सल्यूट टू माय कल्चर, माय रूट्स, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, हमारे घर पे पंजाबी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएटेबल है कि एज पर इनका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, ठीक है, एज पर हिज फादर इज आईजी कश्मीर रिटायर्ड आई गेस, मुझे एग्जैक्टली उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो कि डॉक्टर साहब हमें बता सकते हैं। तो फिर आपका इतना वो डिफरेंस क्यों आपकी पर्सनालिटी में और बैकग्राउंड में, ऐसा क्यों? मेरे फादर भी देसी बंदे ही थे, ठीक है, हमारी जमीनें सरगोधा में ही है, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। बट ये है कि मेरे फादर ने CSS कर लिया तो एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया उनका, लेकिन हम देसी लोग ही हैं, मेरा बड़ा देसी है। वेल, काफी हद तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। What about your personal life? उसके बारे में थोड़ा सा, आई थिंक ऑडियंस सबसे ज्यादा कीन रहती है ये जानने के लिए कि डॉक्टर साहब की पर्सनल लाइफ में क्या चलता है, उनकी हॉबीज क्या है, रिलेशनशिप कॉन्टेक्ट क्या है, सिंगल है, क्या चीज है, उस बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन तो होगा, है ना, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे मेरे ख्याल से। वही मतलब देखें, आप इधर जवाब देने का ये आप मेरे व्लॉग में दे रहे हैं ना, ये व्लॉग है, ये इंटरव्यू नहीं चल रहा, आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हो जो भी चल रहा है, हम कोई मसला नहीं। हम उन टॉपिक से बात करते हैं ना जिसपे पहले किसी ने नहीं की, ठीक है, उसपे सब बात करते हैं, उससे बात करते हैं, जैसे कि आपकी आजकल की ब्यूटी ट्रेंड्स, है ना, क्योंकि ये एक डिफरेंट एलिमेंट है जो डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया है, रिव्यूज देते हैं आई गेस डिफरेंट सलॉन्स को, एज पर कि वो आपको इनवाइट करते हैं फॉर देयर PR और समथिंग। एग्जैक्टली, तो ये आजकल एक एलिमेंट ऐड हो चुका है डॉक्टर साहब की खूबसूरती। सच एलिमेंट नहीं ऐड हुआ, सिर्फ ये था कि मेरा एक इवेंट आ रहा था, ये स्पार्क्स मोबाइल रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो उन्होंने इधर फ्लैटीज पे इवेंट रखा हुआ था, तो उस इवेंट के लिए तैयार होना था, क्योंकि उसमें उन्होंने मेरे अलावा और भी डिफरेंट टिकटॉकर्स को बुलाया था, वो मनाहिल मलिक, जन्नत मिर्जा, वो भी उधर आए हुए थे, तो उस इवेंट के लिए मैं तैयार हो रहा था, मैं वैसे रफ एंड टफ भी रहता हूँ। आप एक चीज बताइएगा, काफी हद तक उन्होंने बता दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहना हर चीज पूछना चाह रही है ये बंदी अपने एक ब्लॉग के अंदर, लेकिन हम इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 3 देखना, फिर मेरे व्यूज आ जाएंगे। Well, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है आपको किसी चीज की प्रमोशन के लिए या कोलैबोरेशन के लिए, तो आपका एवरेज चार्जेस क्या हो सकते हैं और आपको किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है? मुझे कांटेक्ट करने का तरीका तो इंस्टाग्राम है, बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट वे, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन से लोग सीरियस हैं कौन से नहीं है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली सीरियस क्लाइंट्स हो, फिर उन्हें मैं अपना व्हाट्सएप देता हूँ। और बाकी ये है कि टिकटॉक के लिए मैं अराउंड 25 के चार्ज करता हूँ जो एक वीडियो में बनाता हूँ, और इंस्टाग्राम के लिए 10K। और व्लॉग्स के अगर किसी ने कोलैबोरेशन करना हो जैसा कि मेरे साथ है, तो उसके लिए आप क्या चार्ज करेंगे, मुझसे कितने करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली ये जो सारा बिल इधर होना है आप ही ने पे करना, मैं तो नहीं पे नहीं यार, डेफिनेटली दैट इज लाइक कॉमन सेंस ब्रो, तुम्हें अगर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम छोड़ दो, तुम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली खाने पीने पे खर्चा करना पड़ेगा आपको, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आपने ऑब्वियसली पैसे भी करना प्रॉपर। अगर किसी के आपके साथ ब्लॉग्स बनाने हैं, कुछ सीरीज चलानी है, तो उसके बारे में आपने सोचा है कि आप कोई कोलैबोरेशन करेंगे फर्दर फ्यूचर में, या कोई है ऐसा प्लान? यस डेफिनेटली, अभी सिर्फ ये है कि
मैं अपना क्लिनिक सेटअप कर लूँ एक दफा, तो इंशाल्लाह फिर सारा फोकस। डॉक्टर साहब कह रहे मैं तुम्हें सच नहीं बताने वाला, तुम बंदी बहुत तेज हो, मैं नहीं बताऊंगा। वो थोड़ा ना ऐसे डिप्लोमेटिक होकर आंसर दे रहे हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, राइट? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी मैं एक चीज पे फोकस कर लूँ, दूसरी वन थिंग एट अ टाइम। वेल आई थिंक काफी बातें हो चुकी हैं, अभी हम देखेंगे कि क्या ऑर्डर करना है। डॉक्टर साहब प्लीज प्रोसीड। देखिए मुझे भी वही ऑर्डर कर लेने। तो डॉक्टर साहब आपको इतनी गर्मी में ये हॉट बेवरेज लेने की क्या जरूरत थी? असल में मेरी ना अभी प्रॉपरली आंखें नहीं खुली, मैं आ था सोया, आ गया आज सैटरडे वीकेंड, आज मेरा रेस्ट करने का दिन था, इसलिए कॉफी जरूरी है। इसके बगैर चाय पीते हैं आप? चाय पसंद है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सुबह नाश्ते में चाय जरूरी। चाय चाहिए, चाय लवर्स को चाय चाहिए। चाय लवर्स को नहीं रोक सकता कोई भी, ये जो जो चाय लवर है प्लीज कमेंट ऑन इट। वी आर डन विद द हैशटैग कॉफी इंटरव्यू और विद द व्लॉग एज वेल। और डॉक्टर साहब ने मेरे से बिल पे करा है, डॉक्टर साहब ये अच्छी बात नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ तो ख्याल करते, मैं फैसलाबाद से आई हूँ इतनी दूर आपके साथ मिलने इस मीटअप के लिए। नहीं नहीं, आपने व्लॉग शूट किया, ठीक है, आपने सब कुछ किया, कॉफी पिलाना आपका काम बनता है। वेल दैट वाज सच अ गुड जेस्चर, क्योंकि मैंने कोई पैसे नहीं दिए डॉक्टर साहब को ये कोलैबोरेशन के लिए, थैंक यू फॉर दैट। वेल अगर आप लोगों को आपको लास्ट में बात करनी हो अपने व्यूअर्स को, तो आप क्या शेयर करना चाहिए, टिप ऑफ द डे और समथिंग अपनी लाइफ से रिलेटेड या एनीथिंग लाइक दैट? वेल बस मैं यही कहूंगा कि यार जस्ट ट्राई टू हैव फन, जिंदगी बहुत छोटी है, एंजॉय करो, बंदियों से कॉफी पियो, ठीक है, खुद ही कोई अपने आप को इतना बुलंद करो कि बंदियां आपके आप पे खर्चा करें, ठीक है ना, अपने आप को इतना काबिल बनाओ। ओके बाय।